हेलो यू गाइस, स्वागत है आपका एल्गो प्रेप के यूट्यूब चैनल पे। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ये एलएलडी का पहला लेक्चर होगा कंटेंट वाइज, राइट? तो हम सबसे पहले ऊप्स पढ़ेंगे। सो अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ऊप्स में भी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। सो एलएलडी समझने के लिए हमें ऊप्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ऊप्स इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे पहली चीज ऑब्जेक्ट है, राइट? उससे रिलेटेड ही चीज हम करने वाले हैं आज की लेक्चर में, दैट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। कि सारी चीजें ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व हो रही होती है, उसके अराउंड हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। तो होता क्या है ये ऑब्जेक्ट, फिर क्लासेस कहाँ आती है इन सब चीजों में, वो सब कुछ आज कवर करने वाले हैं हम इस लेक्चर में। ओके, सो सबसे पहले यार, मैं मेजरली जावा यूज़ कर रहा हूँगा इसमें, बट अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि जावा, C++, उन सब में कॉन्सेप्ट्स मोर और लेस सिमिलर ही होंगे, राइट? सिंटैक्स का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, दैट्स ऑल। ओके, सो सबसे पहले हम क्लासेस के बारे में समझते हैं। यार क्लासेस क्या है? क्लासेस हम समझ लेंगे तो क्लासेस से ही निकल कर ये ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बारे में आप समझ लोगे तो इसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्या होता है। तो क्लासेस क्या होता है? तो देखो यार, सिंपल सा फंडा है। आपने इंटीजर पढ़ रखा है, राइट? इंटीजर के बारे में आप जानते हो, आई होप इंटीजर के बारे में जानते हो। इतनी बेसिक नॉलेज में अज्यूम करूंगा कि आपको आती है, राइट? फिर आपने कैर पढ़ रखा होगा, बूलियन पढ़ रखा होगा, डेटा टाइप्स। नो, डेटा टाइप्स ही नहीं कहते हम, ऐसे और भी है, लॉन्ग, डबल, बट यार इंट पे हम फोकस करते हैं। तो देखो यार, इंट एक्चुअली क्या होता है? यार इंट नो, जावा ने या जिस भी लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उन्होंने डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी। और आप क्या करते हो, उसको यूज करके एक वेरिएबल बनाते हो और उसमें आप इंटीजर स्टोर कर पाते हो, राइट? यही करते हो आप। अगर आपको एक और वेरिएबल बनाना है तो फिर से इंट लिखो, वेरिएबल नाम कुछ भी दे दो अपनी मर्जी से, और फिर से जो वैल्यू डालनी है डाल दो। ऐसे ही आप सोच कर बताओ कितनी बार आप इंट यूज कर सकते हो, जितनी बार आपको जरूरत पड़े। इनफाइनाइट टाइम्स चाहिए, आप ये चीज इनफाइनाइट टाइम्स लिख सकते हो, वेरिएबल नाम सिर्फ बदलना होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इंट प्री डिफाइंड जावा का जो कोड लिखा गया होगा उसमें डिफाइन करा हो गया होगा कि भैया इंट में आप इंटीजर ही स्टोर कर सकते हो, बूलियन नहीं कर सकते, ट्रू फॉल्स नहीं कर सकते। सिमिलरली बूलियन में ट्रू फॉल्स कर सकते हो, इंट नहीं कर सकते हो, ऐसा डिफाइन करा होगा। तो ये सब प्री डिफाइंड होती है, इंट, कैरेक्टर, बूलियन सभी लैंग्वेजेस में प्री डिफाइंड होती है, आप उसको यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बोलूं कि भैया मुझे एक खुद के टाइप का, खुद के थॉट प्रोसेस वाले डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट है, कि मुझे इंट नहीं चाहिए, मैं एक ऐसा डेटा टाइप चाहता हूं जिसमें मैं दो इंटीजर स्टोर कर सकूं। एग्जांपल ले रहा हूं, दो इंटीजर, कि दो इंटीजर मैं स्टोर कर सकूं, ऐसा कुछ आप मुझे बता दो, एक साथ दो इंटीजर स्टोर कर सकूं। तो एक तो आप बोलोगे कि भैया दो अलग अलग इंटीजर बना लो, राइट? एंड वैसे कर लो। मैं कहा बिल्कुल सही, वो भी वैलिड सॉल्यूशन है, बट वो बहुत टफ टू यूज हो जाएगा कि यार मुझे दो इंटीजर बनानी है साथ में, राइट? तो इंटीजर X1 Y1 लेट्स बना दिया, और ऐसी मुझे 10 अलग अलग जगह पे इंटीजर्स के पेयर चाहिए। तो अगर मैं अलग अलग बनाने लग जाऊंगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इवन दो पॉसिबल है बट थोड़ा सा मुश्किल है, राइट? तो ये तो इंटीजर के लिए। फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि भैया मुझे एक ऐसा बता दो डेटा टाइप जैसी चीज, ऑफकोर्स वो डेटा टाइप नहीं होगी, बट डेटा टाइप जैसी चीज जिसमें मैं एक इंटीजर स्टोर कर लूँ, एक स्ट्रिंग स्टोर कर लूँ, या एक इंटीजर एक कैरेक्टर स्टोर कर लूँ, या दो कैरेक्टर स्टोर कर लूँ, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स जो प्री डिफाइंड है उसका कॉम्बिनेशन कर पाऊँ। दो ही क्या, नहीं, अगर मैं पांच इंटीजर स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं इकट्ठे पांच भी स्टोर कर पाऊँ, ऐसा कुछ मुझे बता दो। अगर ये यूज केस आता है वाइज, तो उसे ही हम क्लास कहते हैं। अगेन, जो मैंने अभी बताया है ये प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है,
ये आपके समझने के लिए सिर्फ, इसके थ्रू आप समझ जाओगे कि भैया क्लास होता क्या है। फिर नेक्स्ट पेज में मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन भी बता दूंगा कि क्लास किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इससे और क्लैरिटी आएगी आपको कि अच्छा इंट है, दो इंट मुझे साथ में स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लास बना लूंगा। ऐसे बनाते हैं, ये जावा का सिंटैक्स लिख रहा हूं मैं, अगेन सिंटैक्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपको किसी और लैंग्वेज में करना है तो चैट जीपीटी है, गूगल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट। सो पब्लिक स्टैटिक क्लास, ये तीन चीजें आपको लिखनी होती है। इन तीनों का मतलब हम समझेंगे, पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, क्लास होता है क्या होता है, इसी प्लेलिस्ट में समझेंगे। अभी के लिए आप क्लास तो हम अभी समझ ही रहे, राइट। पब्लिक और स्टैटिक क्या होता है ये हम इसी प्लेलिस्ट में समझेंगे। फिर आप इस क्लास का एक नाम दे दो, तो लेट से मैंने पेयर नाम दे दिया, आपको जो भी मर्जी आप नाम दे सकते हो। अब आप क्या कलेक्ट करना चाहते हो, तो अभी के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि दो इंटीजर कलेक्ट कर दो। तो मैंने दो इंटीजर कलेक्ट कर दिया। यू गाइस, अगेन ये डेटा टाइप नहीं है, इसको एक्चुअली क्लास ही कहते हैं, बट आपके सोचने के लिए आप ऐसा सोच सकते हो कि आपने एक पेयर नाम का, जैसे इंटीजर होता है वैसे पेयर नाम का एक डेटा टाइप बना दिया। अगेन ये डेटा टाइप मैं बोल रहा हूं बट ये एक्चुअली करेक्ट नहीं है, समझने के लिए सिर्फ आप सोचते हो क्योंकि आपने एक डेटा टाइप बना दिया। इस डेटा टाइप में पता है क्या है, इस डेटा टाइप में दो इंटीजर कंबाइंड है, इसे ही हम क्लास कहते हैं। मतलब क्योंकि आपने क्रिएट कर रखा है तो ये डेटा टाइप नहीं हुआ, इसे ही क्लास कहते हैं कि आपने क्लास बना दिया जिसमें दो इंटीजर कंबाइंड है। तो आप बोलोगे भैया ये तो मैंने बना दिया, अब हम दो दो इंटीजर के पेयर्स बार बार कैसे बनाएंगे। तो देखना जरा, ये जो पेयर है इसके अंदर दो इंटीजर्स होते हैं, जैसे इंट प्री डिफाइंड जावा वालों ने बनाया है वैसे ही आपने ये पेयर बना दिया। अब इंट आप जितनी मर्जी चाहो यूज कर सकते हो, जितनी मर्जी बार चाहो यूज कर सकते हो, वैसे ही पेयर आप जितनी मर्जी बार चाहो यूज कर सकते हो। देखना जरा, ये लिखा मैंने पेयर एक्स इज इक्वल टू न्यू पेयर, थोड़ा सा अलग है, इंटीजर बनाते टाइम आप डायरेक्टली एक्स नाम का इंटीजर बनाकर उसमें 10 डाल देते हो, यहां पे ऐसा नहीं है। अभी के लिए यहां पे आप एक्स नाम का एक पेयर क्लास बना रहे हो तो आपको राइट हैंड साइड में न्यू पेयर लिखने की जरूरत होगी। इससे होगा क्या, देखना जरा, इससे होगा ये कि एक बन गया आपका, जैसे इंट बन जाता है, इंट कैसे बनता है, एक एक्स बनता है वो 10 स्टोर कर रहा होता है, वैसे ही ये आपका एक एक्स नाम का बंदा बन गया, एक्स नाम का डब्बा बन गया, आप डब्बा ऐसे रैंडमली ले रखा, कुछ भी ले लो, एक्स नाम का एक गोल बन गया। इसके अंदर चलो एक्स नहीं लेते हैं क्योंकि एक्स हम यहां भी यूज कर रहे हैं, इसका नाम मैं पी1 लिख देता हूं, राइट। एक्स अंदर की तरफ यूज कर रहे हैं तो एक्स मत नाम लो, ये पी1 नाम का एक डब्बा बन गया। इस पी1 के अंदर दो इंटीजर है एक्स ऑफ़, इनिशियली क्योंकि आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, डिफॉल्ट वैल्यू इसे कहते हैं कि इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो है, जीरो स्टोर हो जाएगी। तो P1 नाम का एक डब्बा बना, उसके अंदर एक्स और वाई है जिसकी वैल्यू जीरो है। अब ऐसे ही आप जितनी मर्जी चाहो पेयर टाइप की चीज बना सकते हो। फिर से थॉट प्रोसेस के लिए, जैसे इंटीजर बन रखा है, इंटीजर का एक्स, इंटीजर का वाई, इंटीजर का जेड बनाते रहते हो, वैसे ही इंटीजर जैसा आपने एक पेयर बना दिया, पेयर है क्या, दो इंटीजर का कॉम्बिनेशन है। अब आप पेयर टाइप की जितनी मर्जी चाहो बना लो, पेयर P2, सिंटैक्सिस भी साथ में लिखता जा रहा हूं यू गाइस, ये सिंटैक्सिस है, पेयर P2 सिंटैक्स है एक, राइट। इसमें कुछ नहीं, जैसे ही आप ये बनाओगे P2, इसके अंदर एक्स और वाई, उनकी वैल्यू भी 0, 0। फिर से मैंने बोला एक पेयर P3 भी बना देता हूं, मैं कहा ये लो पेयर P3 इज इक्वल टू न्यू पेयर, ये रहा एक डब्बा P3 है, ये डब्बा इसका अपना एक्स और वाई है, आप जितनी मर्जी चाहो बना लो, सभी का अपना एक्स एंड वाई आता रहेगा, सभी का अपना एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब बोलोगे एक्सेस कैसे करेंगे सर हम इसे, तो आपको एक्सेस करने के लिए देखना, अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो पता आप क्या प्रिंट करोगे, जैसे P1 का एक्स प्रिंट करना चाहते हो तो कुछ नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट,
और इसके अंदर पी वन डॉट एक्स लिख दो। अब देखो, जब इंटीजर प्रिंट करते थे तो क्या करते थे आप, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स कर देते थे, एक्स प्रिंट हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, आपने पी वन बनाया और पी वन के अंदर एक्स एंड वाई है, तो पी वन डॉट एक्स से वो एक्सेस होते हैं। सिमिलरली अगर आपको ये एक्स एंड वाई करना है तो आप ये लिख सकते हो, पी थ्री डॉट एक्स इज इक्वल टू 100 लेट्स से। इससे क्या होगा, पी थ्री डब्बे का एक्स 100 बन जाएगा बेसिकली। ऐसे ही वाई करना है, पी थ्री डॉट वाई इज इक्वल टू 200, तो ये 200 बन जाएगा, एंड सो ऑन। आप इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो। यू गाइस, ये जो आप इंडिविजुअली बना रहे हो पी वन पी टू पी थ्री, यही आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लास क्या है, क्लास एक टाइप बनाया आपने जिसमें दो इंटीजर है, और ये जो उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस बनाया आपने, बार बार उसे इनिशियलाइज करा, ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे इंटीजर आप समझ सकते हो जावा ने पहले से बना रखा है, तो इंटीजर एक डेटा टाइप है, वैसे ही पेयर एक क्लास है जो कि डेटा टाइप को कंबाइन कर रहा है। फिर इंट को यूज करके आप एक्स वाई जेड लिखते हो, वैसे ही पेयर का पी वन पी टू पी थ्री वो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। यू गाइस, इसको हम अभी एडिटर पे भी देखेंगे, ऐसा नहीं है, एडिटर पे भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, राइट, बट ये आपका मेनली क्लास एंड ऑब्जेक्ट कहलाता है। अच्छा, एक बार मुझे बताना जरा, कुछ कुछ चीजें मैं पूछता हूँ, सोचकर बताना आप। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इज प्रिंट करने को कह रहा हूँ बेसिकली। अगर मैं लिखूं पी टू डॉट जेड तो क्या होगा, पी टू डॉट जेड जेड, पी टू देखो, अरे पी टू में तो जेड है ही नहीं, पी टू में जेड है ही नहीं भैया, एरर, जो है ही नहीं उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो आप, सोच कर बताना जरा। अगर मैं ये लिखूं पी थ्री डॉट वाई तो क्या प्रिंट होगा, सोचना जरा, कुछ नहीं, पी थ्री पे जाओ और उसका वाई 200। अगेन यू गाइस, ये जो नाम हमने लिख रखा है, जैसे ये एक नाम है, ये एक नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर ये एक्स और वाई, ये भी आप कुछ भी ले सकते हो, ये भी काइंड ऑफ नेम ही है, मैंने एक्स और वाई ले लिया, आपकी मर्जी, आप जो भी चाहो ले सकते हो। ये तो वैसा है कि जो आप नाम रख दोगे वही नाम आप बार बार यूज करते रहोगे, तो पेयर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं लोग, एक्स वाई बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, इसलिए मैंने ये ना रख दिया। ओके ओके राइट, तो अब आई होप आपको थॉट प्रोसेस बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। थॉट प्रोसेस, इंट जैसे बना हुआ है वैसे ही आप एक क्लास बनाते हो, इंट एक डेटा टाइप है बट आप एक क्लास बनाते हो जिसमें आप कितने भी डेटा टाइप्स कंबाइन कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें तीन बन कर लो, चार पांच छह, जितनी मर्जी आप इसमें कंबाइन कर सकते हो, सिर्फ इंट नहीं, इंट इंट और यहाँ पे कैरेक्टर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसी कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। अब आपने एक क्लास बना दिया, जैसे वो क्लास बनाया अब उसके आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे इंट के आप एक्स वाई जेड कर पाते थे, वैसे ही उन ऑब्जेक्ट्स के अपने ये सारे वेरिएबल्स होंगे और आप उनमें जैसे भी प्ले अराउंड करना कर लो। इनके यूज केसेस हम देखेंगे बाद में कि क्लास ऑब्जेक्ट कहाँ काम आते हैं, ऑफ कोर्स द होल कॉन्सेप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट, तो बहुत यूज आएंगे, बट अभी के लिए हम सिर्फ समझते हैं कि है क्या, राइट तो अब मैं आपको एग्जैक्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बता देता हूँ कि भैया क्लास एंड ऑब्जेक्ट होते क्या है टोटल। तो क्लास इज नथिंग बट इट इज अ ब्लू प्रिंट, ब्लू प्रिंट आप समझते हो, ब्लू प्रिंट इज यार मेनली जैसे घर आप बनाने जाते हो, राइट, तो जैसे ही आप एक घर बनाओगे, बनाने का सोच रहे हो, नॉट बनाओगे, बनाने का सोच रहे हो, तो पहले आप उस घर का स्ट्रक्चर सोचते हो कि भैया घर में कितने फ्लोर होंगे, भैया एक फ्लोर पे कितने रूम होंगे, भाई स्विमिंग पूल होगा या नहीं, राइट, तो वो जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्लास कहते हैं। जैसे मैं होम का एक स्ट्रक्चर आपको बनाकर देता हूँ, अगर आपको होम का एक क्लास बनाना हुआ तो आप क्या बनाओगे, क्लास होम, इसमें कुछ नहीं, आप सबसे पहले रूम काउंट बता दो, रख लो, फिर एक फ्लोर काउंट रख लो, फिर एक लेट से कलर रख लो स्ट्रिंग टाइप की, देन लेट से बूलियन पूल रख लो कि आपके घर में स्विमिंग पूल होगा या नहीं। आपने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया कि भैया ये सारे पैरामीटर्स हैं
जिसके बेसिस पे मैं अपने घर को डिफाइन करूंगा कि ये सारी चीजें होंगी नहीं होंगी, होंगी तो कितनी होंगी, ऑल दोज थिंग। तो ये आपका एक क्लास कहलाता है कि भैया ब्लूप्रिंट। अब इसी ब्लूप्रिंट को यूज करते हुए आप जितनी मर्जी चाहो घर बना सकते हो। मतलब कि यार देखो, ये हूं मैं एस के सर हूं, राइट? तो मैं क्या करूंगा, एक इसका ऑब्जेक्ट बना लूंगा कि यार होम, लेट्स से एस के इज इक्वल टू न्यू। जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी, यू गाइस ये सिंटैक्स है, इसके बारे में परेशान मत होना, आपको ऐसे ही लिखना होता है कि होम ये रहा, फिर नाम दे दो आप अपने ऑब्जेक्ट का और न्यू होम। जैसे ही आपने ये लिखा तो पता है क्या होगा, जैसे ही आप ये लिखोगे तो आपके पास एक डब्बा बन जाएगा। इस डब्बे में, ये डब्बे का नाम एसके होगा क्योंकि मैंने एसके नाम दिया है, और इसमें ये सारे वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएंगे डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ। इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी होती है, बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, ऐसी जो भी टाइप्स है उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज, राइट? तो रूम काउंट, फ्लोर काउंट, कलर, पूल, ये सब बन गया। अब ये आपका घर है, ये एस के सर का घर है। अब इसके सर अपने अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू फिल कर सकते हैं कि भैया मेरा घर जब बनने जाएगा तो इस घर में 4 कमरे होंगे, मेरा घर जब बनने जाएगा तो इस घर का कलर लेट्स से वाइट होगा, ताजमहल टाइप का। मेरा जब घर बनने जाएगा तो मेरा जो फ्लोर काउंट होगा वो 3 होगा, और भैया पूल तो होगा ही, तो इसको तो ट्रू करना ही है हमें, पूल के बिना तो मैं रहूंगा ही नहीं वहां। तो आपने क्या करा, देखा क्या करा मैंने, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट बना, यार सेम स्ट्रक्चर को यूज करा, उसमें वैल्यूज फिल कर दी अपनी। तो ये एस के सर का घर है। अब लेट्स से आप स्टूडेंट हो, राइट? आप पढ़ रहे हो, तो आपका घर बना देते हैं, आपको भी घर बनानी है, तो ये रहा होम, लेट्स से लर्नर नाम दे देते हैं इसको न्यू होम। देख रहे हो, सेम ब्लूप्रिंट को यूज कर रहा हूं, मीनिंग स्ट्रक्चर मेरे घर का भी यही होगा, लर्नर के घर का स्ट्रक्चर भी यही होगा, वहां भी यही सारी चीजें बनेंगी, बस उसका नाम अलग। ये लर्नर है, इसमें रूम काउंट फिल कर दो, जैसे यहां पे एसके सर ने रूम काउंट 4 कर दिया था, फ्लोर काउंट 3 कर दिया था, कलर व्हाइट कर दिया था, और इसे ट्रू कर दिया था। तो अल्टीमेटली ये मेरा घर बन गया, इनिशियली जो वैल्यूज मिली थी उसे मैंने अपडेट कर दिया। वैसे ही लर्नर्स को इनिशियली ये वैल्यू मिली, लर्नर्स अपडेट कर देंगे कि भैया रूम काउंट देखो यार 10 तो दो, 10 से कम में तो बात नहीं चल बनेगी, फिर मुझे कलर चाहिए कुछ चटकीला सा चाहिए, तो ब्लू कलर दे दो, चटक कलर, राइट? देन एक फ्लोर काउंट चाहिए, तो फ्लोर काउंट यार देखो 5, घर से 5 फ्लोर तो चाहिए, 5 से कम तो क्या ही घर, राइट? फिर पूल, भैया पूल के बारे में तो पूछो ही मत मेरे से, आप खुद डिसाइड करो। समझ गया कि अब आपने ये वैल्यूज दे दी, तो अब आपका, ये आपका घर है, इसमें ये रूम काउंट्स आ जाएंगे, 10 रूम, 5 फ्लोर, चटक कलर, एंड ये तो ट्रू है ही। तो अब क्या हो गया, सेम स्ट्रक्चर, मैंने अपना एक घर बना लिया, अपने घर में उन वैल्यूज को फिल कर दिया बेसिकली। अब इसको यूज करके मैं अपना घर बना लूंगा, वैसे ही लर्नर्स ने बना लिया, ऐसे ही आपको 5 और लोगों को देना है, सभी अपना अपना बना सकते हैं। तो दिस इज, दीज थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स बेसिकली। ब्लूप्रिंट सिर्फ स्ट्रक्चर बताता है, उनमें वैल्यूज फिल कर दो बेसिकली, रियल इंस्टेंस ऑफ ब्लूप्रिंट, कि अब तो उस ब्लूप्रिंट की एग्जैक्ट वैल्यूज पता है हमें, कि ऐसे ऐसे घर बनने वाला है, ये बंदा ऐसे बनाएगा, ये बंदा ऐसे बनाएगा, अपने अपना बना लो भाई, राइट? तो इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट ट्रू डेफिनेशन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। सोचने के लिए भैया मुझे तो आसान लगता है सोचना कि इंट जावा ने बना कर दिया, मैंने क्या करा, मैंने उसके जैसा क्लास बना लिया जिसमें मैं मल्टीपल चीजों को स्टोर कर सकता हूँ। अब इंट के साथ मैं एक्स वाई जेड बना पाता था, पेयर के साथ में वैसे ही P1, P2, P3 कुछ भी बना पाऊंगा, जितनी मर्जी चाहो बना पाऊंगा। कोई पूछे डेफिनेशन तो भैया ब्लूप्रिंट है और रियल इंस्टेंस है, बस सिंपल सा। तो ये था यू गाइस आपका
क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ये चल रहा है आपका क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का फंडा कंप्लीट, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, तो एक बार मैं जल्दी से चलता हूं आपको एडिटर पे बनाकर दिखा देता हूँ। राइट, तो एडिटर पे एक बार आप देख लोगे कि कहाँ बनता है एंड ऑल दोज थिंग्स, तो और भी आपको चीजें चमक जाएंगे। ओके, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीजें पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। तो ये रहा मेरा एडिटर, अभी मैंने करा शेयर, एक सेकेंड दे दो। अरे आ जा भाई। ओके, ये रहा मेरा एडिटर और ये करा मैंने चेंज अपना स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा सा कर देता हूँ जूम इन। तो देखो यार, आपको पता ही होगा कि ये आपका मेन होता है, मेन आपका एंट्री पॉइंट होता है, कोई सा भी कोड आप लिखते हो वो एंट्री पॉइंट होगा। राइट, ओके कूल, तो आप इस मेन के बाहर लिखते हो क्लास। तो ये रहा पब्लिक स्टैटिक क्लास, लेट्स से पेयर। तो ये क्लास आपने बना दिया मेन के बाहर, और ये अगर आप जावा में लिख रहे हो तो आपका एक बाहर वाला बंदा भी क्लास ही होता है, उसे हम देखेंगे। राइट, तो एक आप यहाँ पे पेयर बना सकते हो, लेट्स से इसमें मैंने एक्स डाल दिया एंड वाई डाल दिया और तीन बना लेते हैं। एक्स वाई तो हमने पेन पेपर पे देख लिया था, तो लेट्स से स्ट्रिंग, एक तीसरा स्ट्रिंग डाल देता हूँ, स्ट्रिंग ST। तो ये बन गया आपका पेयर क्लास का स्ट्रक्चर, ये बन गया आपका क्लास। अब इस क्लास की जितनी मर्जी ऑब्जेक्ट बना लो आप, पेयर P1 इज इक्वल टू न्यू पेयर। अब P1 में आपको जो चाहिए फिल कर दो, P1.x लेट्स से 10, P1.y इज इक्वल टू 20, P1.st थर्ड इज ST, P1.st दैट इज स्ट्रिंग, आपको उसको स्ट्रिंग ये देना होगा, लेट्स से रेड। ऐसे ही आप और भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, P1, P2, P3, सभी में P2 का x लेट से 100 कर देते हैं, इसका 200, P2 का y 200 कर देते हैं, देन P2 का ST ब्लू कर देते हैं, यार ऐसे ही आप फिल कर सकते हो वैल्यूज। राइट, देन P3 का x लेट से 1000 कर देते हैं, इसका 2000 कर देते हैं, P3 का y और P3 का ST ऑफ कोर्स ST लेट से ग्रीन कर देते हैं। राइट, ये हो गया, अब तीन P3 बन गए, आप इन तीनों P3 को यूज कर सकते हो। प्रिंट करके दिखा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, लेट से तीनों का x प्रिंट कर लेते हैं यार एक बार, P1.x स्पेस P1.y फिर से एक स्पेस एंड P1.st कर दिया। तो एक बार रन करके देखना, ये क्या कर दिया मैंने, P1, हाँ P1 की तीनों चीजें प्रिंट हो गई, तो देखना 1020 और रेड, 1020 और P1.st। अच्छा यहाँ पे मैंने फिर से ग्रीन कर दिया था उसे, ओके अब देखना फिर से, P1.st इज रेड, रेड आ गया। इसमें ये सबको P2 P2 करके देख लो, P2 P2 P2, अब देखोगे अब P2 की सारी चीजें आ जाएंगी, 100 200 एंड ब्लू। राइट, तो ऐसे ही आप चेंज कर सकते हो, मतलब ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली, दीज आर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये आपका, ये तो क्लास है वो लिखिए। राइट, तो क्लास इज द ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्ट उसके इंस्टेंसेस होते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट यू गाइस, सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। राइट, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वहां पे भी हम ऊप से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें करेंगे, ऊप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने के बाद हम फिर LLD के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ऑल राइट यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस लेक्चर, वॉचिंग दिस लेक्चर, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी या।